डिवीजन की अदालत में आज 8 मार्च को ठाकुर केशव देव भगवान के सेवायत के तौर पर पवन शास्त्री द्वारा दायर वाद पर सुनवाई हुई। न्यायालय ने पवन शास्त्री के वाद में पक्षकार बनने के लिए लगाई गई दिनेश चंद्र शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए पवन शास्त्री के अधिवक्ता को पक्षकार बनाने वाली एप्लीकेशन की कॉपी उपलब्ध कराने के न्यायालय द्वारा आदेश दिए गए हैं। इसके बाद न्यायालय ने मामले में अपना पक्ष रखने के लिए वादी अधिवक्ता को 8 अप्रैल का समय दिया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने वादी पवन शास्त्री के मामले पर न्यायालय 8 अप्रैल को सुनवाई करेगा। ऐसा हुआ, दिनेश चंद्र शर्मा जो हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष हैं, भारत हिंदू महासभा के, उनकी ओर से 110 दाखिल की गई थी, उसमें जो है हमको कॉपी दे दी गई है, हमको एतराज़ दाखिल कर रहे हैं 8 अप्रैल को। हम पवन कुमार शास्त्री की पक्षकार हैं। हम आज जो है ठाकुर केशव देव जी बनाम इंतजामिया कमेटी जो मुकदमा था 107/21, उसमें हमारे द्वारा दिनेश चंद्र शर्मा जो कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष हैं, एक प्रार्थना पत्र पार्टी बनने का दिया गया था। वो प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय द्वारा वादी के अधिवक्ता श्री रमाशंकर भारद्वाज को कॉपी देने के आदेश हमारे लिए किए गए। दिनेश चंद्र शर्मा की ओर से जो प्रार्थना पत्र पक्षकार बनने हेतु मुकदमे में दिया गया था, उसकी प्रति वादी के वकील श्री रमाशंकर भारद्वाज जी को दे दी गई है, प्रतिक्रिया दी गई है, और उस पर एतराज अदालत मांगे हैं। एतराज और सुनवाई के लिए 8/4/2021 नियत कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय